पिछली बार हम लोग गए थे सुंदरलाल टोपीबाज के पास घर खरीदने के लिए और उसने हमें बहुत सारे घरों की लोकेशन दी और उसके बाद हम लोग गए उन सारे घरों को देखने के लिए। ए, है ना, लेकिन हम लोग सारे के सारे घर जो कि देख लिए लेकिन हमें उनमें से एक भी घर पसंद नहीं आया। बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि हम लोग पहले जो घर देखने के लिए गए थे वो तो एकदम बंगार जैसा था, पुराना पुराना, और उसके आस पास एकदम सुनसान इलाका था। और फिर हमने दूसरा वाला घर देखा, वो तो ठीक ठाक घर था लेकिन उसका भी यही हाल था, उसके भी आजू बाजू कोई नहीं रहता था, सुनसान इलाका था, तो उसे भी हमने कैंसिल कर दिया। और उसके बाद हमने तीसरा वाला घर देखा था जंगल में। हाँ छगन काका का, वो घर तो ठीक ठाक था लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, उसके अंदर संडास ही नहीं था। अब आप ही बताओ दोस्तों, हम लोग संडास के बिना घर कैसे खरीद सकते हैं? हम लोग टट्टी क्या करेंगे अलमोटे बल के ऊपर क्या? और फिर हमें लास्ट में एक घर पसंद भी आया जिसका मालिक था मुकेश टट्टानी, है ना, और उस घर को बहुत ही ज्यादा आलीशान और मॉडर्न था, उसके अंदर सब कुछ था दोस्तों, तीन तीन तो पूरे जो कि टॉयलेट थे संडास। लेकिन वो घर बहुत ज्यादा महंगा था, पूरे 150 डायमंड का, उतनी औकात नहीं थी इसलिए हमने उस घर को खरीदना कैंसिल कर दिया। उसके बाद कैंसिल करो। हमें डिसाइड कर दिया कि अब हम लोग अपने हाथों से खुद का घर बनाएंगे। तो कड़ी मेहनत और धूप और पसीने बहाने के बाद फाइनली हमने खुद का घर बना लिया। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में आप सभी को शाउट आउट मिलेगा। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, और हाँ अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट में बताना मत भूलना, और प्यारा सा कमेंट कर देना ये वीडियो कैसी लगी आपको। और मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको वीडियो में कोई कमी दिख रही हो तो कमेंट में बता देना। सबसे पहले मिलो हमारे बॉडीगार्ड दया से। हाँ ये जो कि दरवाजे तोड़ने के लिए काम आते हैं, और जब भी हमें कुछ गड़बड़ लगती है तो हम लोग इसे ही कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा हाउस, और इससे मिलो ये है थारा भाई खली। जब ज़ॉम्बी इसके आसपास भटकते हैं ना तो ये कहता है तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना। है ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हमारा थारा भाई खली, सबकी बैंड बजा के रख देता है, हाँ मुरब्बा बना देता है सबका। दोस्तों बहुत खतरनाक है थारा भाई खली। दोस्तों ये है हमारा मेल बॉस, जहाँ पे चिट्ठी आती है, और ये हमारा डस्टबिन है जहाँ पे हम लोग कचरा फेंकते हैं, और चलो दोस्तों ये हमारी टेबल है जहाँ पे आके कोई भी विलेजर आके बैठ जाता है, और ये है हमारा प्यारा सा हाउस जिसे भले ही हमने इस हाउस को क्रिएटिविटी में बनाया लेकिन दोस्तों इसे बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, पूरे 3 दिन का समय लगा है। और दोस्तों आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक के बटन को दबाने में, तो दबा दो। और ये मिले हमारे प्यारे नेटू काका से। अरे नेटू काका जी कैसे हो, सब चूंकि काम अच्छे से चल रहे है ना। और अब हम मिलाने जा रहे हैं बागा से। ये है बागा, वैसे तो ये हमारा नौकर है लेकिन हम लोग इसे अपनी फैमिली मेंबर जैसा रखते हैं, क्यों है ना बागा, जैसे जिसकी सोच। चलो दूसरों लोगों से भी मिलाते हैं। और ये है दोस्तों हमारी डाइनिंग टेबल जहाँ पे सब लोग बैठ के आराम से खाना खाते हैं। हाँ हमारे सारे फैमिली मेंबर खाना खाते हैं, जैसे बागा और नटू काका और दया वगैरह, और जेठिया से मिलाते हैं। चलो दोस्तों, और जेठिया किधर गया? अरे ये रहा जेठिया। तो दोस्तों ये है जेठिया। हाँ चाय पिया, बिस्किट खाओ, चाय पिया, बिस्किट खाओ। और ये है गोली बेटा। जेठिया और गोली बेटा दोनों ही मस्ती करते रहते हैं। देखो गोली बेटा पढ़ाई करो, एग्जाम चल रहे। अरे आना गोली बेटा मस्ती नहीं, चलो चलो अंदर चलो। आना गोली बेटा मस्ती नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस पीएएस बनो, देश को संभालो। लेकिन नहीं तुम्हें मस्ती करनी है। एक बार बोला समझ में नहीं आता, छोटी बच्ची हो गया गोली बेटा मस्ती नहीं। तो दोस्तों अब हम लोग अपने हाउस का टूर कराते हैं। तो दोस्तों ये है सरीवी मच्छी जो आलू मोटा बालू रोज खाता रहता है। चुप करो सरीवी नहीं, ये वो ताजी है, मैंने कल ही लेके आई। और ये है हमारा प्यारा सफरी जहाज जिसके अंदर हम लोग बर्फ पिए जो की डाल के खाते हैं। और ये हमारा खाने पकाने का, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन, और ये चाय का कप किसने रख दिया? जरूर आलू मोटे बालू ने रख दिया होगा। अरे मैंने नहीं बागा ने रख दिया होगा। यहाँ पे इतने सारे एक ही जैसे चम्मच है। बागा क्या बना रहा है, कड़ी चावल बना रहा है क्या? और ये है माइक्रोवेव, और यहाँ पे हाथ धोता रहता है बागा पूरा दिन। है ना, और खाना बनाता है काम जो कि बागा करता रहता है। और दोस्तों यहाँ सारी बुके वगैरह पड़ी हुई है, और यहाँ पे है बड़ा सा सोफा सेट जहाँ पे मोटा गेंडा आलू मोटा भालू बैठ के टीवी देखता रहता है। और अब मैं तो देखो टीवी चमक छलो। टीवी में क्या आ रहा है दोस्तों? टीवी में तो पता नहीं क्या आ रहा है लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त, जो कि हमने साइड में डीजे, और यहाँ पे भी एक सोफा सेट है जहाँ पे कभी कभी जेठिया बागा जो कि बैठते रहते हैं। अरे हाँ ना, ये भी बहुत ज्यादा मस्त है।
और यहाँ पे एक बड़ी सी चिमनी भी बनी हुई है, और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो दोस्तों पंखा चल रहा है। ही बहुत ज्यादा मस्त हवा आती है क्योंकि हमारे पास एसी नहीं है ना, तो हम लोग पंखा चला रहे हो। यहाँ पे एक बहुत खिड़की पड़ी हुई है और ये हमारी बालकनी है जहाँ पे हम लोग बाहर का नजारा देख सकते हैं, है ना, मस्त से नजारा देख सकते हैं। ये देखो ये वही तो कह सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक खड्डा भी है, मतलब यहाँ से हम लोग नीचे गिर सकते हैं। एक बार बागा और जो कि जेठिया दोनों के दोनों नीचे गिर गए थे, 206 हड्डियां टूट गई थी उसकी। अरे बिल्कुल सही कहा, ए है ना। और कभी कभी आलू मोटा बालू हमें भी फेंक देता है। और दोस्तों ये है हमारा गेमिंग मॉनिटर टीवी, और यहाँ पे हम लोग गेम खेलते रहते हैं, है ना। पहले बिल्कुल सही कहा, हम लोग यही पे वीडियोस बनाते रहते हैं। और दोस्तों ये है हमारा ऊपर का जो कि घर ऊपर का इलाका, ये देखो यहाँ पे बोर्ड पड़ी है और ये हमारा पूरा पंखा चल रहा है, यहाँ पे एक बेड है। चलो दोस्तों आपको ऊपर चल के हम लोग दिखाते कि आखिर ऊपर कैसा है। उससे पहले हम लोग यहाँ का एरिया दिखा देते हैं, है ना। ये हमारा दूसरा जो कि हाउस के साइड में जो है ना वखार, उसे कहते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे आलू मोटे बालू के सबसे ज्यादा बासी कच्चे बनियान पड़े सूखे हुए। और एक बासी कच्चे बनियान नहीं है, वो मेरे कपड़े, इनमें तो बदबू आती है, धोया करो। और ये दोस्तों आलू मोटे बालू और हमारे आर्मर है। और ये जो कि कैमरा किसका है, अरे ये तो सौरव दोषी का व्लॉग का कैमरा है, वो कभी कभी यहाँ पे छोड़ के जाता है और लेके जाता है, वो व्लॉग बनाता है। अच्छा सौरव दोषी व्लॉग का जो कि कैमरा है। और ये दोस्तों टायर है और इसके साइड में जो कि अलार्म, ये क्या है पता नहीं। और यहाँ पे ये बंदूक है, जब भी जो भी आते उनके सर पे हेडशॉट मारते है। हाँ वो भी नीचे गैस वाला। और ये जो कि पेड़ काटने के लिए और ज़ॉम्बी को काटने के लिए। और ये कौन है, ये तो बाबूजी है। बाबूजी हम लोग नहा के आए हैं अभी अभी। हाँ दोस्तों नहा के आए हम लोग। चल झूठा। अरे बाबूजी को कैसे पता चल गया कि हम लोग नहीं नहाए। ठीक है ओके जी बाबूजी, हम लोग जो कि नहा के आएंगे। हाँ दोस्तों बाबूजी ना बार बार यही कहते रहते ना क्या। और दोस्तों ये है जो कि रेडियो जो बजता नहीं है, और ये हमारा प्यारा गिटार। और ये मेरा गिटार है जो मैं बजाते रहता हूँ मैना के लिए, मैना में आया गिटार लेके। और ये है दोस्तों अलार्म क्लॉक, और ये मैंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है ताकि जो की बुलबुला मेरा चोको बटन ना ले ले। किचन में भी लगा दूंगा देख लेना। ए दोस्तों तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितना मस्त है ऊपर का इलाका। और यहाँ पे पंखा चल रहा है, और ये है मस्त जो कि टॉयलेट। अभी हम आपको टॉयलेट भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग बेड देख लो। यहाँ पे अलार्म क्लॉक लगा है, और यहाँ पे बेड है, और इसके साइड में जो बेड है वहां पे जो की बाघ सोता रहता है, या फिर जेटे आके सोता रहता है, कोई भी आके सोता रहता है, और नहीं तो क्या। और अब दिखाने जा रहे हैं सबसे ज्यादा स्वर्ग वाली जगह। आना यहाँ पे आने के बाद तो हमें बहुत ज्यादा शांति होती रहती है। हाँ यहाँ पे दोस्तों ये है संडास टॉयलेट, जहाँ पे हम लोग अपनी टट्टी करते रहते हैं। हाँ यहाँ पे जो कि टट्टी करने के बाद तो मजा ही आ जाता है। हम लोग रोज यही पे बैठ के मस्त पंखे की हवा खा के रोज सुबह टट्टी करते रहते। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने हाथ धोते रहते हैं, हे वो भी अपना जो कि आलू मोटे बालू का गंदा मुंह देख के। हाँ गजब बेइज्जती है। और यहाँ पे आलू मोटा बालू ब्रश भी करता रहता है अपना मुंह देख देख के। और वहां पे भी एक आईना लगा हुआ है, और साथ में जो कि यहाँ पे बाथटब है। आलू मोटे बालू नहा लो, वैसे भी तुम एक महीने से नए नहीं हो, गेंडे मोटे कहीं के बदबूदार कहीं के, बाबूजी कब से कह रहे थे। अरे नहा रहा हूँ। हे दोस्तों नहाने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ रोज ठंडे ठंडे पानी से आपको दोस्तों नहाना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि हम लोग पूरा दिन यही पे बैठे रहे। और ना मजा आ रहा है। हे तो दोस्तों ये है हमारी प्यारी दन्नू साइकिल। हाँ दोस्तों हमें बाइक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम लोग फिलहाल जो कि काम चलाओ जो कि साइकिल से ही चला रहे। वैसे ये साइकिल बहुत ज्यादा मस्त है ना दोस्तों, काफी ज्यादा मस्त है, मस्त चल जाती है, काम चलाओ है। और इसे लेके गोली बेटा पूरा दिन फिरता रहता है, और बागा भी। हाँ और जेठिया भी ये साइकिल लेके फिरते रहते है पूरा दिन, और नहीं तो क्या, मजा आ रहा है साइकिल चलाने में। और दोस्तों ये आपको टावर दिखाना तो भूल ही गए। हाँ दोस्तों ये है हमारा टावर, जहाँ पे हम लोग कभी कभी ऊपर चले जाते मस्त सी हवा खाने के लिए, हवा खाने के लिए। चलो दोस्तों आपको ऊपर का इलाका दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग रोज ऊपर चढ़ते हैं और मस्त जो कि ऊपर से नजारा दिखता है, बहुत ज्यादा मस्त नजारा दिखता है। और हाँ ना बिल्कुल सही कहा, लेकिन बहुत हो गया। हाँ भाई ये टावर नजारा देखने के लिए नहीं बनाया।
तो अब हम लोग जा रहे हैं जो कि मरने के लिए। दोस्तों आप लोग ना ही लाइक करते हो, ना वीडियो को पूरा देखते हो, ना सब्सक्राइब करके घंटी को दबाते हो, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कूदने जा रहे हैं। टाटा दो में याद रखना। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे ऐसा मजाक कम किया करो। ए तो दोस्तों नए घर खरीदने की खुशी में आज हम लोग मुंह मीठा हो जाए, आप लोग भी करिए मुंह। ए तो दोस्तों शाउट आउट टाइम। तो दोस्तों ये हमने स्पेशल शाउट आउट के लिए एक बहुत ज्यादा मस्त जगह बनाई है हमारे प्यारी डीजे क्रश फैमिली को शाउट आउट देने के लिए। ए सबसे पहले शाउट आउट जाता है ओमिडियम मंडल को। हाँ उसके बाद शाउट आउट जाता है मंजीत आयर को, मंजीत आयर को। उसके बाद शाउट आउट जाता है अवनीत वागोड़े फनी गेमिंग को। ए हाना उसके बाद गुरु भाई को, उसके बाद मृदुल चक्की को, और उसके बाद लला मुकेश ताडवी को, नो फिकर नो प्यार। ए और उसके बाद जाता है मौसमी चक्रबद्री को, नो फिकर नो प्यार। ए उसके बाद विनोद शुक्ला को, बिलबिले सुपर। तो दोस्तों ये हम लोगों को प्यारे प्यारे दोस्तों को शाउट आउट दे दिया। दोस्तों अगर माफ करना अगर हमने किसी का नाम जो कि गलत बोल दिया हो तो। अरे हाँ ना प्लीज। और हाँ दोस्तों अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो पता ही ना क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना एक अच्छा सा। और हम लोग मिलेंगे अपन नई वीडियो में, आपको वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलना। तब तक ले टाटा बाय बाय।